बाल भारती स्कूल एंड कॉलेज के समस्त छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस जैसी भयानक महामारी चल रही है और इस समय आप सभी लोग अपने घरों पर ही हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में छुट्टियां चल रही हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का आदेश है, उनके आदेशों का पालन करते हुए आप लोग घर पे सुरक्षित रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस बाल भारती स्कूल एंड कॉलेज के द्वारा शुरू की जा रही है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को क्लास 9th का सिलेबस बताएंगे। जो बच्चे कक्षा 8 क्वालिफाइड हो चुके हैं वो अपने सिलेबस के विषय में जान लें, उसके बाद फिर आगे आपको टॉपिक्स बताए जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इंग्लिश का जो सिलेबस है आपका 9th की जो इंग्लिश है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला होता है आपका सेक्शन ए, दूसरा होता है सेक्शन बी। 9th में जो सिलेबस आप पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी करके आपका जो है पेपर डिवाइड होता है। तो सेक्शन ए में सबसे पहले हम सेक्शन ए में आपको लेकर चलते हैं। सेक्शन ए में आप लोगों को लिटरेचर से संबंधित जो बुकों का स्टडी करते हैं, पहला पार्ट होता है प्रोज। एक ही बुक में आपकी ये तीनों पार्ट रहेंगे, प्रोज। सेकंड है पोएट्री, थर्ड है सप्लीमेंट्री। प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ये आपकी तीन बुक्स रहेगी जो कि एक ही में दी रहेगी और इनका स्टडी करना रहेगा, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। सेक्शन ए में ये तीनों किताबों का आपको स्टडी करना है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री का। फिर आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी जो होता है, सेक्शन बी में टोटली आपका ग्रामर रहता है, ग्रामर। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि इंग्लिश जो आपका है 9th में दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमें बुक्स का स्टडी करना रहेगा जिसमें पहला पार्ट रहेगा प्रोज, सेकंड पार्ट रहेगा पोएट्री, थर्ड पार्ट रहेगा सप्लीमेंट्री रीडर। उसके बाद सेक्शन बी में आते हैं, सेक्शन बी में आपको ग्रामर पढ़ना है। और प्यारे बच्चों, इसका आपका जो मार्क्स बनता है 50-50 का होता है, 50 का ये, 50 का ये। इसी में आपका 30 नंबर का प्रोजेक्ट का हो जाता है, 30 नंबर प्रोजेक्ट रहता है और 35 बॉक्स यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर होता है। तो हम
आज आपको जो है सेक्शन बी में ग्रामर पोर्शन पढ़ाने वाले हैं। जो नाइन्थ का ग्रामर का सिलेबस है वो स्टार्ट होता है आपका सेंटेंस कहां शुरू होता है, सेंटेंस से। सेंटेंस मींस होता है आपका वाक्य, जैसा कि आप एट्थ में भी पढ़ चुके होंगे। इसकी डेफिनेशन बताई गई है, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड व्हिच मे कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इंग्लिश डेफिनेशन इसकी है, हिंदी डेफिनेशन क्या होती है, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ पूर्ण हो या जो पूर्ण भाव प्रकट करे उसे वाक्य कहते हैं। इंग्लिश डेफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मीन्स सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ पूर्ण हो या जो पूर्ण भाव प्रकट करे उसे वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हम इनकम्प्लीट सेंटेंस लेते हैं, उसी को कंप्लीट करके दिखाते हैं। लेटर राइट्स ही, ध्यान देना आपको, लेटर राइट्स ही। लेटर मीन्स जैसा आप जानते हैं पत्र होता है, राइट्स लिखना होता है, ही आपका मीन्स वह होता है। इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है ये। लेटर राइट्स ही कोई सेंस नहीं है। अब इसी को हम कंप्लीट सेंस में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले ही राइट्स लेटर राइट्स ही है, यहां का इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये है इनकम्प्लीट। और ये कंप्लीट सेंटेंस मतलब इसका सेंस भी निकलेगा, ही राइट्स लेटर मीन्स वह पत्र लिखता है। और डेफिनेशन भी इसकी कहती है कि ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ पूर्ण हो या जो पूर्ण भाव प्रकट करे उसे वाक्य कहते हैं। हमने एक इनकम्प्लीट सेंटेंस का भी एग्जांपल लिया, जैसा कि लिखा है लेटर राइट्स ही ए, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। और इसी को कंप्लीट सेंस के दृष्टि से देख रहे हैं, ही राइट्स ए लेटर, इसका सेंस है वह पत्र लिखता है। तो ये अब ये पूर्ण वाक्य कहां जा सकता है, इसको पूर्ण वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, और इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है इसलिए आपका पूर्ण वाक्य हुआ, इसको बोलते हैं कंप्लीट सेंस। ये इनकम्प्लीट अपूर्ण है और ये कंप्लीट सेंस निकल रहा है इसलिए ये
उड़वाक्य कहा जा सकता है। तो ये हो गई डेफिनेशन और एग्जाम्पल। उसके बाद हम आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस वाक्य के भेद या प्रकार, वाक्य के भेद या प्रकार। सेंटेंस की डेफिनेशन और एग्जांपल के बाद हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें इसका हिंदी नहीं होता है, वाक्य के भेद या प्रकार। ध्यान देना, इसके मॉडल के आधार पर देखा जाए, संरचना के आधार पर वाक्य के पांच भेद होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इसको हिंदी में बोलते हैं विधि सूचक वाक्य, विधि सूचक वाक्य। सेकंड होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्न वाचक वाक्य। थर्ड होता है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इसको बोला जाता है आदेशात्मक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको बोला जाता है विस्मय बोधक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य। फिफ्थ नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इच्छा बोधक वाक्य, सेंटेंस के भेद होते हैं आपके पांच। फर्स्ट नंबर है असर्टिव सेंटेंस विधि सूचक वाक्य, सेकंड नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, थर्ड होता है इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, फिफ्थ नंबर होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय बोधक वाक्य, फिफ्थ नंबर होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक वाक्य। अब हमें इन्हीं पांचों प्रकारों के विषय में पढ़ना है, तो हम सबसे पहले चलते हैं असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहला पार्ट आपको जैसा कि बताया गया असर्टिव सेंटेंस विद सूचक वाक्य, इसकी डेफिनेशन
इसकी डेफिनेशन है ऐसा वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति या वक्ता की कही गई बात को स्वीकार किया जाए विधि सूचक वाक्य कहलाता है। और इसके दो पार्ट हो जाते हैं, पहला होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो भाग, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में क्या है कि इसकी डेफिनेशन कहती है ऐसा वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति या वक्ता की कही गई बात को हम स्वीकार कर लें उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि वक्ता की कही गई बात को नकार दिया जाए, स्वीकार ना किया जाए तो हम उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस के इन दोनों भागों में से पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे। डेफिनेशन इसकी परिभाषा है ऐसा वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति या वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को स्वीकार किया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कोई कहता है राम राइट्स कोई व्यक्ति है और कहता है कि राम राइट से लेटर, राम पत्र लिखता है, जिससे कह रहा है वो व्यक्ति स्वीकार कर ले रहा है कि हाँ राम पत्र लिखता है, इसलिए कौन सा सेंटेंस होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड एग्जांपल लेते हैं रीना सिंग्स अ सॉन्ग, रीना सिंग्स अ सॉन्ग, रीना गीत गाती है, अर्थात कोई व्यक्ति है और रीना के विषय में किसी अपने साथी से बता रहा है कि रीना सिंह से सॉन्ग, रीना गीत गाती है, तो इसकी बात को स्वीकार किया जा रहा है, इसलिए आपका कौन सा सेंटेंस हो रहा है आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो रहा है। तो जैसा कि डेफिनेशन कहती है कि ऐसा वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति या वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को स्वीकार किया जाए वो आपका कौन सा सेंटेंस कहलाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि एग्जाम्पल आपको बताया गया राम राइट से लेटर, राम पत्र लिखता है, रीना सिंह से सॉन्ग, रीना गीत गाती है। सेकंड नंबर में आते हैं आपका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक ध्यान देना बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति या वक्ता की कही गई बात को नकार दिया जाए, अर्थात उसकी बातों को स्वीकार ना किया जाए वो नकारात्मक वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल रेखा डज नॉट कॉल मी, रेखा डज नॉट कॉल मी, रेखा मुझे नहीं बुलाती है।
सपोज है कि रेखा नामक एक कोई लड़की है और उसकी सहेली कह रही है रेखा डज नॉट कॉल मी, रेखा मुझे नहीं बुलाती है। अर्थात डिफिनीशन पे आते हैं, परिभाषा ये कहती है ऐसा वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति या वक्ता के द्वारा कही गई बातों को स्वीकार ना किया जाए तो आप कौन सा सेंटेंस कहलाता है, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो एग्जांपल बताया गया रेखा डज नॉट कॉल मी, रेखा मुझे नहीं बुलाती है। सी इज नॉट ए क्लेवर गर्ल, सी नॉट ए क्लेवर गर्ल, वह चालाक लड़की नहीं। दोनों सेंटेंस में नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें भी रेखा डज नॉट कॉल मी, रेखा मुझे नहीं बुलाती है। सी इज नॉट ए क्लेवर गर्ल, वह एक चतुर लड़की नहीं है, चालाक लड़की नहीं है। तो डेफिनेशन के आधार पर हमने आपको बताया कि वक्ता की कही गई बात को अगर स्वीकार ना किया जाए तो आपका कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल बताया गया रेखा डज नॉट कॉल मी और सी इज नॉट अ क्लेवर। अब उसके बाद ये तो आपके असर्टिव सेंटेंस के दो भाग हुए, नेगेटिव सेंटेंस एक, दूसरा नेगेटिव और पहला अफर्मेटिव। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरा नंबर है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य।